हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आजकल सर्दियों का सीज़न है और हर घर में ऑरेंज तो होंगे ही, तो हमने चलो आज ऑरेंज का बच्चों के लिए जैम बना लिया। तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर जैम बना है, कितना कलरफुल लग रहा है। बच्चे वैसे ही जैम के साथ, परौंठी के साथ, किसी के साथ भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। अब चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं चार ऑरेंज ले लिए। इनको हम अभी अच्छे से छील लेंगे। ऐसे हम सभी ऑरेंज को छील लेंगे। इसके ऊपर से जो व्हाइट का पोर्शन है ये सारा हम अच्छे से हटा लेंगे, क्योंकि ये कड़वा होता है, ये हमने बीच में नहीं आने देना। ये सारा हमने अलग कर लेना है। अब हम एक एक स्लाइस लेके इन्हें अच्छे से छील लेंगे। ये पूरा व्हाइट पोर्शन हमने हटा देना है। जो इसका पल्प है और इसकी जो बाहर की लेयर है वो हमने इसमें रहने देनी है। इसमें से हमने सीड निकाल लेना है। ऐसे हम इसको रखते जाएंगे। आप देखिए मैं कैसे उसका वाइट पोर्शन निकाल रही हूँ और बीच का पल्प और जो लेयर है वो ही हमने इसमें बस ऐड करनी है। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सीड आपने इसमें नहीं डालना, बस ऐसे ही आपने सारी स्लाइसेस है जो उसमें से वाइट पोर्शन अलग कर देना है और इनका पल्प ये सब एक साइड कर देना है। अभी हमने कुछ संतरे के छिलके ले लिए हैं, 2 से 4 जो पीसेस हैं मैं आपके सामने हैं, और इसके ऊपर से हमने इसका वाइट पोर्शन सारा अलग कर देना है। सिर्फ छिलका रहने देना है, क्योंकि ये जो वाइट पोर्शन है ये हमारे जैम में कड़वापन लाएगा, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे। ये मैंने जो पल्प निकाला था इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और ये जो मैंने वाइट पोर्शन इनका हटा देना है। बस ऐसे ही आप सभी हटा लीजिए। अभी ये हमने छिलका ले लिया है इसका, ये हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने जो छिलके अच्छे से इनका वाइट पोर्शन हटाया था, ये जो 3 छिलके हमने लिए हैं इनको हमने अच्छे से लंबा लंबा काट लेना है। इसका फ्लेवर जैम में बहुत ही अच्छा आएगा। देखो ऐसे हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। ये हमने इन्हें काट लिया है। अब हम पैन चढ़ा देते हैं गैस पर। जो हमने ग्राइंड किया था मटेरियल, जूस जो किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे, ये 1 कटोरी, और 1 से थोड़ी सी और चीनी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ी सी और चीनी लिया मैंने, इसमें मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से इन्हें हिला लेंगे, इसे लगातार हमने हिलाते जाना है। इसका कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये मैंगो जैम जैसा लग रहा है, तो इसको हम ऑरेंज करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर मिक्स कर लेते हैं। यह हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा मिक्स कर लेना, आपके पास लिक्विड हो जो भी हो आप डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हमने दालचीनी मिक्स कर ली है ताकि इसका और अच्छा फ्लेवर आए। संतरे का फ्लेवर अच्छा तो होता है, लेकिन और अच्छा फ्लेवर आने के लिए थोड़ी सी इसमें हम दालचीनी मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से इसे हमने उबाला देना है। अभी ये काफ़ी पतला है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है इसे हमने बॉईल करना है। इसे आपने साथ साथ हिलाते रहना है।
ये अभी कम होना शुरू हो गया है। ये हमने जो लंबी लंबी स्लाइसेस काटे थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पे ऑरेंजेस होने चाहिए, चीनी होनी चाहिए, इन चीज़ों से ही हम घर पे बच्चों के लिए जैम रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जैम ऑलमोस्ट बन गया है। ये ऐसे हमें पतला लग रहा है लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अब हम इसमें से ये जो दालचीनी मिक्स की थी ये हम बाहर निकाल देंगे। आप कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है इसमें। अभी बच्चे वैसे ही खुश होके इसे खाते हैं। ये देखिए अभी ये हमारा रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए आप जब रखोगे ये काफ़ी थिक हो जाएगा। ये हमने बाउल में डाल लिया है। कितना अच्छा ऑरेंज जैम लग रहा है ये। आपने अगर इसको चेक करना है हमारा बना जा नहीं, ये मेरा ठंडा हो चुका है। इतना मैंने प्लेट में डाल लिया और प्लेट को मैं टेढ़ा कर रही हूँ। ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ये बग नहीं रहा, लीक नहीं हो रहा। जब अगर लीक होगा तो मतलब ठीक क्वांटिटी में नहीं बना। अभी हमारा थिक हो गया तो एक ही जगह स्टिल है। ये हमारा रेडी हो चुका है। गाइस आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।